हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चे एपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक रूमर सुना होगा कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, ये इक्विवेलेंट है टू दी पोस्ट ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऑनेस्ट कंपेरिजन बिटवीन दीज टू डिफरेंट पोस्ट, ताकि आप लोग एक आइडिया लगा पाओ कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो पोस्ट है वो कहाँ पर स्टैंड करती है एज कम्पेयर टू दी IRS पोस्ट। देखिए, जब भी हम दो डिफरेंट पोस्ट को कंपेयर करते हैं तो कुछ एरियाज के बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं इनके बेसिस पे कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो बेसिस होता है कंपैरिजन का, वो रहता है सिलेबस, कि यार IRS पोस्ट के लिए जब आपको जाना है, उस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको कितना सिलेबस प्रिपेयर करना है, और जब आपको APFC पोस्ट के लिए जाना है तो आपको कितना सिलेबस प्रिपेयर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन रहता है वो रहता है सिलेबस। देखिए, यहाँ पर अगर मैं दोनों एग्जामिनेशन को कंपेयर करूं, APFC एग्जामिनेशन को और IRS के एग्जामिनेशन को, जो कि बेसिकली UPSC का एग्जामिनेशन होता है, तो सिलेबस दोनों में ही बहुत ज़्यादा है। APFC एग्जामिनेशन में आपको कुछ यूनिक कंपोनेंट जो है प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो UPSC के एग्जामिनेशन में आपको ऑलमोस्ट 14 से 15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिनमें आपके कुछ कंपोनेंट प्रीलिम्स के लिए होते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, देन पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको प्रीलिम्स में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ मेंस आते आते वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, सोसाइटी आ जाता है, गवर्नेंस आ जाता है, देन IR आ जाता है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट है, देन एथिक्स का एक डिफरेंट पेपर है। तो बहुत सारे कंपोनेंट आप लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं जब UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो IRS एग्जामिनेशन को अगर आपने क्लियर करना है तो सिलेबस बहुत वास्ट है वहां पर भी। और अगर मैं APFC एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करूं तो यहां पर भी सिलेबस कम नहीं है, आपको अगेन यहां पर भी 12-13 कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं। यहां का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं जो IAS एग्जामिनेशन का प्री का सिलेबस है, उसमें अगर आप कुछ कंपोनेंट ऐड कर दो और कुछ कंपोनेंट निकाल दो, जैसे IAS के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी आता है, आप उसको निकाल दो, एनवायरनमेंट आता है उसको निकाल दो, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, उनको रख के उनमें ऐड कर दो आप तीन स्पेशल कंपोनेंट, जैसे IR लेबर लॉ, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड जो अकाउंटेंसी वाला है, उसके साथ दो कंपोनेंट और भी आते हैं वैसे तो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टैट। तो ये आपका सिलेबस बनता है फॉर दी, इसमें CSET IAS आई ऑलरेडी कंसिडर की वो आप इंक्लूड कर लेंगे, तो ये आपका बनता है APFC एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस वास्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं UPSC एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो और ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ द APFC एग्जामिनेशन। तो आपको ज़्यादा कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे अगर आप लोग UPSC IRS बेसिकली पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आता है कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है, ठीक है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का। तो अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो APFC है वो काफ़ी बेटर हमें देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द IRS पोस्ट। पैटर्न में क्या होता है कि अगर मैं APFC एग्जामिनेशन की बात करूँ तो दो सिंपल स्टेजेस जो हैं उनको आप क्लियर करके आप लोग क्लास से ऑफिसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकते हैं। ये स्टेजेस कौन सी हैं? एक रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है, और दूसरा एक इंटरव्यू, मतलब बहुत छोटा प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं UPSC एग्जामिनेशन की बात करूं, IRS के एग्जामिनेशन की बात करूं, तो वहां पर आपकी मल्टीपल स्टेजेस हैं और वहां पर आपको बहुत सारे पेपर्स भी देने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट आपको 2 प्रीलिम्स के पेपर, 9 मेंस के पेपर और एक इंटरव्यू देना पड़ता है टू गेट सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ IRS, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न के मामले में APFC जो है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जामिनेशन है, और 2 भी इन द सेंस कि एक इंटरव्यू है और एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं IRS पोस्ट बेसिकली UPSC एग्जामिनेशन की, तो वहां पर आपको बेसिकली 11 पेपर्स देने पड़ते हैं और प्लस इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वो काफी लंबा हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है। और अगर मैं एग्जामिनेशन के रेगुलर की बात करूं तो कौन सा एग्जाम रेगुलर है, आप लोग जानते हैं कि भाई एग्जाम तो IRS वाला, UPSC वाला रेगुलर एग्जामिनेशन है। पहले 2 एरियाज हो गए जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आता है वो आता है सैलरी एंड पर्क्स। आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर इनकी सैलरी एंड पर्क्स में क्या फर्क है। तो दोस्तों, यहां पर ये दोनों जो पोस्ट हैं IRS एंड APFC, ये सेम लेवल पर स्टैंड करती है, दोनों की ग्रेड पे, बेसिक पे ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के अलाउंसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस आप लोगों को दोनों पोस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है वो आता है कि इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होने वाली है, इनका एरिया ऑफ वर्क क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो आपका APFC ऑफिसर होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो फील्ड की ज़्यादा होती है। जितनी भी PSUs हैं, जितनी भी सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PF Act को फॉलो कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो
IRS पोस्ट है तो वहां पर बेसिकली इनकम टैक्स, GST, टैक्स कलेक्शन वाला जो एरिया है वो उनके अंडर आता है, और उनका जो जुरिसडिक्शन है वो कहीं ना कहीं ऑफिस में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द फील्ड। तो IRS पोस्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड दिखेगी एज कम्पेयर टू द APFC ऑफिसर। लेकिन उसके बाद एक और पॉइंट ऑफ जो कंपेरिजन है वो है मिनिस्ट्रियल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो IRS पोस्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, लेकिन जो APFC पोस्ट है इट इज अ नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, क्योंकि ये एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन EPFO का पार्ट है, ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। तो दिस इज अ नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट और IRS जो है मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पब्लिक सर्विस की, सोशल सर्विस की, आपका कितना कॉन्टैक्ट रहेगा लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं APFC ऑफिसर की जो पब्लिक डीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है पोस्ट, तो कहीं ना कहीं लोगों से डील करना, इंस्टीट्यूशन से एज वेल एज जो बेनिफिशियरीज में डील करना यहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन जो IRS पोस्ट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है, तो उसकी पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूँ तो अगेन दोनों की प्रमोशन साइकिल्स में हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को रेगुलर प्रमोशन 4 to 5 बाद दोनों ही पोस्ट पे देखने को मिलती हैं। और अगर मैं पूरी चीजों को समराइज करूं तो दोस्तों IRS पोस्ट की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत टफ है, और कहीं ना कहीं वो पोस्ट हम लोग काफी सुनते हैं। APFC पोस्ट बहुत लेस नोन पोस्ट है, तो यहां पर इसलिए उसकी वैल्यू हमें कम देखने को मिलती है। हम जनरली ये अज्यूम कर लेते हैं कि यार APFC उतनी बड़ी पोस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों को नॉलेज उसके बारे में कम है। अगर यही एग्जाम हर साल कंडक्ट हो रहा होता तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती, ठीक है। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो नो डाउट IRS काफी ऊपर है दोस्तों, उसमें कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन APFC भी उसके बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट जो है 20-21 का फर्क है। तो आप लोग अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों APFC एग्जाम की, तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप एक बहुत छोटा प्रोसेस फॉलो करके सीधा एंट्री कर सकते हैं टू दी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो कि क्लास ए ऑफिसर जॉब होती है, और आपको काफी अच्छी प्रोफाइल यहां पर अपनी देखने को मिलेगी, ठीक है। पावर एंड अथॉरिटी कहीं ना कहीं आपके जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया उस पर सब्जेक्टिव हो जाती है। कई बार आपको अगर मान लो ऐसी जगह पोस्टिंग मिल गई जहां पर आपका ही मेजर रोल है तो वहां पर पावर ज्यादा होती है, लेकिन अगर कई बार आपको हेड ऑफिस वगैरह में पोस्टिंग मिल गई तो वहां पर थोड़ी सी पावर रिड्यूस हो जाती है, तो वो सब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ओवरऑल दोनों पोस्ट का कंपेरिजन करें तो 21 अगर IRS है तो 20 APFC है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हमें देखने को मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड पर्क्स। लेकिन IRS की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो एग्जाम बहुत रेगुलर है, ठीक है। आई होप आपको एक ऑनेस्ट कंपेरिजन यहां पर मिला होगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि EPFO के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिले और APFC पोस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिले, तो एक गाइड बुक आप लोगों के पास पक्का होनी चाहिए। यहां पर ना सिर्फ आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता लगेगा, इस पोस्ट के बारे में पता लगेगा, बल्कि जितने भी आपके डाउट हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, रिगार्डिंग सोर्सेस, रिगार्डिंग बुक लिस्ट, वो सारे दूर होंगे। यहां पर आपको डिकोडेड सिलेबस दिया गया हर एक कंपोनेंट का, और साथ में आप लोगों को PYQs दिए गए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए और सिक्योर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।